गन्ना एटिंग चैलेंज एंड जो पहला फेस करेगा वो जीतेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं हो गई हूँ तैयार। ये वाली जो साड़ी है मैंने परचेज की थी मीशो से, एंड ये वाला ब्लाउज भी, इसकी फिटिंग ऑसम आई है। सो मैं आपको अपना फुल लुक तो दिखाई देती हूँ, उससे पहले बता देती हूँ कि मेरे 3 दिन से यार व्लॉग नहीं आ पा रहे क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग करने का। वीडियोस बन रहे हैं बट एडिट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वाला वीडियो सबसे पहले आएगा, उसके बाद दिवाली का आएगा, वरुण का बर्थडे का आएगा, बहुत सारे आएंगे यहाँ पे आने का आएगा हमारा, तो वो सब ना बाद में आएंगे, बट ये वाला पहले आ जाएगा। मुझे लगता है शायद ही कल ही आ जाए या फिर परसों तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। मैं इसी बात पे आपको फुल लुक दिखा देती हूँ मैं अपना एक बार। एंड मेरा दिवाली का ड्रेस तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा, नहीं फॉलो कर रहे हो तो जल्दी से जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने अभी तो कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया, हेयर स्टाइल मुझे भी बनाना है, जस्ट मेकअप कर लिया है एंड रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 और अभी वरुण की बुआ जी एंड मामा जी आने वाले हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने घर एंड वहाँ पर भाई दोस्त करेंगे और मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। सो ये वाली साड़ी है ऑरेंज एंड वाइट के लाइनिंग में, यहाँ पे इसमें पर्ल की लेस लगी हुई है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी ये वाला ब्लाउज तो है मीशो का एंड ये ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी है, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बताना कैसी लग रही हूँ मैं इस वाली साड़ी में। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी, इसका कलर बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट सा ऑरेंज है एंड ये जो लेसिंग हो रही है भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे गोटा पत्ती टाइप्स वर्क हो रहा है और ये जो पिंक कलर का वर्क हो रहा है ना, इसके कंट्रास्ट में मैंने ये पिंक ब्लाउज पहना है। बट अभी मेरा फोटो सेशन है यार, फोटो सेशन कराना है मुझे अभी। और ये वरुण तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, तो वरुण तैयार हो चुके हैं आप? बस हो ही गया, बस हो ही गया। वरुण ने पहना आज ब्लू कलर का कुर्ता, नेवी ब्लू। आज हम बिल्कुल अपोजिट कलर्स में है ना। हाँ ये सच है। चलो तो यहाँ पे चल रही है किचन में तैयारी, मम्मी ने बनाया है बहुत कुछ खाने में। मम्मी इसमें क्या है? इसमें है आलू मटर टमाटर की सब्जी, आलू मटर टमाटर की सब्जी। यहाँ पूड़ियाँ भी भोग के लिए तैयार हो रही हैं, उसी के साथ यहाँ बनी है आलू गोभी जो बहुत ही डिलीशियस लग रही है एकदम। और यहाँ पे बना है रायता बथुए का ना, हाँ बूंदी और बथुए का रायता। और ये बना है शाही पनीर। तो ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, यहाँ भोग के लिए सिक रही हैं पूड़ियाँ। तो बस भाई दूज का प्रोग्राम हो चुका है स्टार्ट, एंड पहले करा रहे हैं वरुण, उसके बाद बुआ जी कर रही थी वरुण के और मेरे, क्योंकि पापा भी गए हुए थे दूसरी वाली बुआ जी के घर एंड फिर हम लोगों को भी लेट हो रहा था जाने के लिए, ऑलरेडी 1 बज चुका था तो हम लोग 1:30 बजे या 1:45 बजे शायद निकले थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि पहले तुम लोग करा लो और पापा जब आ जाएंगे तो वो करा लेंगे। तो बस यहाँ पे है बीच वाली बुआ जी वरुण की, तो वो हम लोगों के लगा रही हैं टीका एंड भाई दूज हो रही है। तो और उसके बाद फिर मम्मी करेंगी मामा जी के, दोनों मामा जी आ चुके थे एंड बड़े वाले मामा जी बाद में आए थे और बुआ जी आ गई थी। तो बस मम्मी मामा जी के कर रही हूँ, उसके बाद मैं कर रही हूँ खाना सर्व सब लोगों को। बस मतलब मामा जी के लिए दोनों प्लेट लगा दी थी, मम्मी सीख लिया पूड़ियाँ मैंने प्लेट लगा दी थी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मेरे घर के लिए, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ट्रैफिक भी मिलता है पूरा, सब लोग जाते हैं अपने घर, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और वैसे भी ये वाला टाइम तो दिवाली है एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम लोगों को ट्रैफिक अच्छा खासा मिलने वाला था। बस फिर निकलते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ फिर यहाँ से खाना सर्व करने के बाद निकलते हुए रास्ते में। हम निकल लिए हैं घर के लिए एंड सबका टीका हो गया, पापा भी थे नहीं तो बुआ जी ने पापा का नहीं किया एंड ये रहा मेरा लुक। अच्छा ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है ना, कलर वलर काफी अच्छा है एंड ब्लाउज भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है वरुण? वरुण को तो फुर्सत ही नहीं है अपना शीशा देखने से भाई। मैं तो गाना गा दिया था तुम्हारे लिए। कौन सा गाना गाया था? झिलमिल सितारों का। हां वरुण ने मेरा गाना गाया ब्लाउज में झिलमिल सितारों का, बट लेकिन ब्लाउज अच्छा लग रहा है इसका एंड साड़ी भी अच्छी लग रही है, कलर बहुत प्यारा है। चलो लेट्स गो, ट्रैफिक मिलने वाला है बहुत ज्यादा यार। तो अब हम चल दिए हैं मौसी जी के यहाँ, बस अब हम निकल चुके हैं और बस 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। फिर वहाँ पे वेदिका करेगी मेहुल को दोज और वहाँ पे आपके कजिन्स भी आने वाले हैं ना? वहाँ पे कौन कजिन्स आएंगे? नहीं आ रहे बाकी अभी, मुझे पता चला है कि मौसी ने बताया था कि वहाँ पे मौसा जी भी आने वाले हैं और मामा जी भी आने वाले हैं आपके। हाँ। तो देखते हैं वो हमें लेना है ना? वो हमें वहाँ पर मिलेंगे या नहीं, नहीं सीधे लेना है आपको? हाँ तो देखते हैं। शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था, इतना
रखा था कि हम उनको आउटर से लेना पड़ा पूरा। तो फिर हमने पीछे से घुमा के एक हाईवे पकड़ा है, अब बस ये सीधा उनके वे में निकलेगा सीधा जाके। तो अब बस जा ही रहे हैं। यार मुझे लग रहा था यही वाला है क्या। यार इसमें तो मैप में तो बिल्कुल अभी सीधा ही दिखा रहा है, पर ठीक है यहाँ पे ऐसा कोई भटकेंगे नहीं जैसे दिल्ली में भटक जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो हम पहुँच ही जाएंगे। और विवेका ने अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी ये जाएगी वहाँ पे पहले टॉर्च करेगी फिर उसके बाद ही खाएगी। आ चुके हैं भाई दोज हो गई। आपने देखी ये नहीं मम्मी मम्मी तुम्हारा मेरा कुछ कुछ मैचिंग हो रही है ना, कुछ कुछ मैचिंग हो रही है। और ये रही मौसी और वो रही बड़ी मौसी। क्या खाती पकड़ी गई हो कैमरे में मौसी? आप क्या खाती पकड़ी गई हो कैमरे में? भैया बहुत बिजी हैं। क्या खाती पकड़ी गई हो कैमरे? खीरा। सो अभी बस खाना लग रहा है एंड अंदर मौसा जी बैठे हैं, हैप्पी बैठा है, ताऊ जी बैठे हैं। हाँ ना लग रहा है, बस बहुत तेज भूख लग रही है एंड अभी बहुत मजे आने वाले हैं, हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं और जल्दी से चलते हैं खाना खाते हैं। और यहाँ शुरू हो गया है हमारा कार्ड्स खेलना एंड आप सबको पता है यार कि अगर हम सब लोग मिलते हैं और कार्ड्स ना खेलें तो फिर मतलब क्या ही किया। एंड यहाँ मौसी मसाजी हैप्पी भी थे तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो हम सब लोग जब मिलते हैं ना तो बहुत खेलते हैं। एंड हमारे यहाँ पे दीपावली पर लाइक शुभ भी कहा जाता है कि खेला जाता है एंड काफ़ी जगह ऐसा है। अगर आपके यहाँ भी है और आप भी खेलते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं यार। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 5:45 बज रहे हैं अभी और हम लोग करीबन 2.5 से 3 घंटे से खेल रहे हैं कार्ड्स एंड मेहुल जीता है 137 140। मम्मी हार गई, मौसी हारी है, मैं जीती हूँ 16 रुपये, वरुण हारे हैं, हैप्पी भी थोड़ा सा हारा है, मौसा जी भी थोड़े हारे हैं, गुड़िया मौसी हारी है, बस मैं और मेहुल जीते हैं आज। बस आज हम दोनों जीते हैं ना, मतलब मैं तो 16 रुपये जीती हूँ बस। मतलब मेहुल इतना जीत रहा था, इतना जीत रहा था बेंदे। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पर एक चैलेंज करने के लिए, चलो उसमें देखते हैं कौन जीतेगा। उसमें तो निर्मा मौसी सोच रहे हैं कि मैं जीती जिताई हूँ पहले ही और हंस रहेंगे सोच सोच के, हमें बावरा बना रहे हैं। हम एक चैलेंज करने जा रहे हैं छत पे, पता है शाम होगी बिल्कुल अंधेरा हो गया, देखते ऊपर कैसा वीडियो आने वाला है। मैं तो दिखना ही बंद हो गए भैया, अरे मैया इसमें तो हम दिख ही ना रहे। छत पे आ चुके हैं चैलेंज करने के लिए। यार ये तो गलत बात है, धोने ऊपर बस। चैलेंज करने से पहले मम्मी वो लगा रहा है पटाखा, चैलेंज तो अभी डिल हो गया, यहाँ पे पटाखा लगने वाला है आराम से।
तो आज का चैलेंज जीते हैं मैं और मौसा जी। आप लूजर हैं। मौसा जी कैसा लगा आपको जीत के? बहुत बढ़िया। मौसा जी इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? मौसी के हाथ में लग भी गई खाते खाते, तो मौसी रियल में फंसता है। जो जुनून था मौसी के अंदर वो किसी के अंदर नहीं था, जज्बा जीतने का और वरुण का वीडियो बनाने का जज्बा था, और मेरा ये वाला कुंडल निकल गया यहाँ से। लेकिन गंदगी इतनी फैल गई कि बेचारी फिर भी कम हुई है। अभी देखो सफाई चल रही है। थर्ड आने के बाद ये थर्ड आएंगे ही पोछा लगा रहे हैं। ये है सफाई का जज्बा। तो बड़ा मजा आया, लेकिन इतना टेस्टी करना था ना, और इतना ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, पर मजा नहीं आ पाया, खा नहीं पाया ढंग से। रस खाया, आधा चूसा, आधा फेंका। मौसी के हाथ लगे क्या बैठे, क्या बन रही है? दाल। क्या खा रहा है? मेरे को भी खाना है।